हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है होम ऑर्गेनाइजेशन एंड होम डेकोर यूजिंग वेस्ट मटेरियल एज ऑलवेज। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि वापस से हमारा नया घर का सेटअप चल रहा है और मुझे ऑर्गेनाइज्ड होम पसंद है, बट मैं इस पे बहुत ज्यादा स्पेंड करना भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं हमेशा घर में जो वेस्ट चीजें हैं एंड वेस्ट बॉक्सेस वगैरह जो मैं हमेशा कलेक्ट करके रखती हूँ, उनसे ही ट्राई करती हूँ कि घर ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे ही बहुत सारे जुगाड़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो घर के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ट्राई करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं ये जो चार्जर एंड केबल्स हैं उसे ऑर्गेनाइज करने से। तो आप देख ही सकते हैं ये किस कंडीशन में पड़े रहते हैं। तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है और इसे कवर करेंगे इस जूट बर्लैप से। आप बॉक्स का साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा बॉक्स यूज़ किया है, तो पूरे को हमने कवर कर लिया है, बस बॉटम और बैक साइड छोड़ दिया है। तो बॉटम ओपन करके इस तरह से जो हमारा एक्सटेंशन है उसे अंदर डाल लेंगे एंड बैक साइड के टॉप पे एक होल करेंगे जहाँ से हम एक्सटेंशन का प्लग निकाल लेंगे। एंड साथ ही टॉप पे हम करेंगे कुछ और होल्स एंड अब एक्सटेंशन में जो भी हमें चार्जर वगैरह अटैच करने हैं वो अटैच कर लेंगे और अंदर डालकर बैक साइड से क्लोज कर लेंगे और जो हमने होल्स किए थे टॉप पे उसके थ्रू केबल्स को इस तरह से निकाल लेंगे। एंड दैट्स इट, रेडी है हमारा ये चार्जिंग स्टेशन। तो इस तरह से आप अपने चार्जर एंड केबल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने बॉक्स का साइज थोड़ा बड़ा लिया था क्योंकि इसे मैं टेम्प्ररी एज अ बेड साइड टेबल यूज़ करने वाली हूँ, तो इसे आप एज अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर हमने एक छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है और इसे हम बना रहे हैं बाथरूम ऑर्गेनाइजर। तो सिंपली मैंने इसे वाइट कलर से पेंट कर लिया है और उसके बाद मेरे पास ये जूट लेस थे तो इसे हमने स्टिक कर लिया है। मैं यहाँ पर इसे पेंट कर रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं कट करके। मैं पहले ऐसे ही यूज़ कर रही थी। तो ये मेरा सिंक का कॉर्नर है जहाँ पे एवरीडे यूज़ की चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो इसे मैं इस तरह से बॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइजेस के बॉक्सेस को कट करके चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो ये आप प्लास्टिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा कल्चर है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ घर से बैग लेकर जाने का, फिर भी एक दो करके आ ही जाते हैं। आप देखेंगे लोगों के पास एक एक ट्रॉली में लोग 20-30 एट अ टाइम प्लास्टिक लेकर जाते हैं यहाँ पे। इसे मैं करने वाली हूँ इन प्लास्टिक्स को रीयूज़। तो इसे मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक ये कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है जिसमें नीचे से कट था, कट नहीं है तो आप कर भी सकते हैं। और सिंपली जो हमारे प्लास्टिक बैग हैं उसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे एंड इस बॉक्स में डालते जाएंगे। आप बैग्स को अच्छे से फोल्ड करके प्रेस करके रखेंगे तो इस एक छोटे से बैग में आप 50-100 प्लास्टिक बैग्स भी रख सकते हैं। तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा जो बाथरूम का डस्टबिन है उसकी लाइनिंग के लिए। एंड आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गया है एंड इजी टू यूज़ हो गया है। सिंपली यहाँ से निकालते जाइए एंड यूज़ करते जाइए। तो इस एक बॉक्स को हमने अपने बाथरूम में रख लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट DIY। तो अगेन हमने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है और इसे हम कन्वर्ट करेंगे मेरे पूजा स्पेस के लिए एक ऑर्गेनाइजर में। तो इसमें मैंने यूज़ किया है फैब्रिक एंड ग्लू। तो ये जो ऊपर के ओपन पार्ट्स थे उसे अंदर ही हमने स्टिक कर दिया है एंड इसे सिंपली ग्लू लगाकर फैब्रिक से कवर कर लेंगे। किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स को कवर करने का ये बेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल तरीका है फैब्रिक। तो फैब्रिक से कवर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखता है और काफ़ी ड्यूरेबल भी रहता है। ये मेरा छोटा सा पूजा स्पेस, तो इसमें मैंने एवरीडे के पूजा के आइटम रख लिए हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट एंड मोस्ट स्पेशल DIY ऑफ द डे। तो इसके लिए हमने एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड लिया है और उसे जूट बर्लैप से कवर कर लेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पर बना रहे हैं टेबल मैट और प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमने ये वाइट 3D लाइनर लिया है। आप
किसी भी इस तरह के ट्यूब या फिर कोन में वाइट कलर फिल करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ डिज़ाइनिंग कर ली है। मुझे इस तरह की डिज़ाइनिंग करना पर्सनली काफ़ी पसंद है, तो मैं हमेशा इसे डिटेल में करना पसंद करती हूँ। इस DIY के लिए आप चाहो तो कार्डबोर्ड का यूज़ स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्टली जूट पे डिज़ाइन करके इस तरह का मैट बना सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है एंड नेक्स्ट हमने ये एक बहुत ही प्यारा सा लेस लिया है, ये मैंने डॉलर ट्री से लिया था, तो इसे हमने ग्लू की हेल्प से साइड्स पे स्टिक कर लिया है एंड दैट्स इट, रेडी है हमारा ये ब्यूटीफुल मैट। तो इसे आप चाहे तो एज अ वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वॉल के लिए ऐसा बना सकते हैं। मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ इस सीटिंग के ऊपर। एक्चुअली हमारे पास अभी कॉफ़ी टेबल नहीं है, तो इस सोफ़ा के एक्स्ट्रा सीटिंग को हम एज अ टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसी के लिए ये मैट बनाया है, दैट्स वाई आई यूज्ड कार्डबोर्ड। सो आज के सारे DIYs में ये लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, आपका कौन सा है डू लेट मी नो। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और आजकल मैं बीच बीच में शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ जिसमें अलग वीडियोस होते हैं एक्चुअली, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जो भी मैं शॉर्ट्स डालूं, लॉन्ग वीडियो डालूं, सबके अपडेट टाइम पे आते रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।